शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभा श्री दीदी के साथ। आज एक बार फिर से हम एक रोचक परिचर्चा को लेकर उपस्थित हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दीदी जी एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं और विश्व की एकमात्र शनि साधिका हैं। उनके बारे में जानने के लिए आइए देखते हैं उनके जीवन का एक छोटा सा परिचय वीडियो। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। श्री शनि देव जी की कठोर साधना से 26 किताबें 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनि देव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बंबई की फिल्मी दुनिया में बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, यूएसए आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। दीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। आज हम फिर से एक रोचक परिचर्चा आपके साथ करने वाले हैं और आज का विषय है बुद्ध धर्म से संबंधित। तो बुद्ध धर्म क्या है और इनके धर्म ग्रंथों के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है चेतन बहन जी आपने। बुद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म ने हमारे यहाँ पर बहुत गहरी जड़ें जमाई हुई हैं। क्या हो रहा था हमारे सनातन धर्म के साथ में कि लोग अलग अलग संप्रदाय बनाने लगे थे। जैन धर्म बढ़ने लगा था, अलग अलग संप्रदाय बनाने से अलग अलग ग्रुप तैयार होने लगे थे, मान्यताएं बहुत सारी होने लगी थी। शैव संप्रदाय बन गया, वैष्णव संप्रदाय बन गया, वामपंथी संप्रदाय आ गया, जैन मत तैयार हो गया। अब ये बहुत सारे संप्रदाय ऐसे होने लगे थे जिनमें पशु बलि देने लगे थे लोग, जिनके साथ में लोगों ने ब्राह्मणवाद चलाना शुरू कर लिया और हर जगह ब्राह्मण को ही इतना महत्व दिया जाने लगा कि दूसरे व्यक्ति ब्राह्मणों के अधीन होने लगे। राजा महाराजा भी ब्राह्मणों के अनुसार चलने लगे। बहुत सारी विषम परिस्थितियां आने लगीं। उस समय जो माहौल था उस माहौल को देखते हुए कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म ने जन्म लिया। जिस समय भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि बुद्ध ने जन्म से लेकर
80 साल की उम्र होने तक किया क्या और वो कैसे भगवान बन गए और कैसे उनके नाम से ये अलग धर्म बन के प्रचलित हो गया। जब चारों तरफ युद्ध छिड़ रहे थे, राजा महाराजा अपनी अपनी सीमाएं बढ़ाने में लगे हुए थे, हर व्यक्ति को लगता था कि युद्ध कौशल और युद्ध से किसी राज्य को हड़प लेना, अपने राज्य में मिला लेना ही सम्राट बनना सबसे उत्तम है। लोग खून खराबा करने से डरते नहीं थे, चारों तरफ अशांति ही अशांति फैलने लगी थी। हर जगह पर कहीं ना कहीं अहिंसा लुप्त हो रही थी और हिंसा बढ़ती चली जा रही थी। ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए उस समय ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो आए और ये मनुष्यता का उपदेश दे और मानव धर्म को बचा ले, क्योंकि मानव धर्म के लोग खिलाफ हो गए थे, वेदों का तो ज्ञान जैसे लुप्त ही हो चुका था। ऐसी स्थिति में एक शाक वंश था, आज के समय में हम नेपाल का बॉर्डर कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश जहाँ खत्म होता है हमारा भारत और नेपाल जहाँ प्रारंभ होता है, वहाँ पर हम कह सकते हैं, या हम भाषा में कपिल वस्तु लुम्बिनी गांव ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय वहाँ एक शाक वंश हुआ करता था, उनके राजा हुआ करते थे शुद्धोधन। शुद्धोधन के यहाँ पर लंबे समय तक संतान नहीं थी, वो संतान के लिए बहुत तरस रहे थे। उन्होंने बहुत यज्ञ हवन अनुष्ठान किए, उसके फलस्वरूप उनकी पत्नी महामाया को गर्भ हुआ। महामाया जिस समय गर्भ के साथ में डिलीवरी के लिए अपने मायके जा रही थी, वहाँ पर एक लुम्बिनी स्थान था, उस जगह एक बहुत बाग बगीचा और हरियाली थी। उन्होंने कहा कुछ देर यहाँ विश्राम करती हूँ, उसके बाद में फिर निकलूँगी, क्योंकि थकावट लगने लगी थी। महामाया ने वहाँ पर लुम्बिनी में ही, उस बगीचे में ही बुद्ध को जन्म दे दिया। जब वो छोटे थे उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। लोगों ने उनकी पत्रिका देखी, नवजात शिशु को देखने के लिए साधु संत भी आए, राजा महाराजाओं को उनकी पत्रिकाएं बनाने की जो आदत थी उन्होंने जन्म पत्रिका बनाकर विभिन्न प्रकार के संतों को दिखाई। एक संत ने कहा कि यह व्यक्ति जिसकी मैं पत्रिका देख रहा हूँ, इसकी जन्म पत्रिका में स्पष्ट दिख रहा है, या तो ये पूरा विश्व पर राज करेगा, सम्राट बनेगा, और या फिर सारा राज का छोड़कर लोगों के हृदय पर राज करेगा और लोगों के हृदय का राजा बनेगा। उसने भविष्यवाणी की ये संन्यास ग्रहण करेगा ऐसा लगता है। राजा ने मन में ठान लिया, बहुत मुश्किल में तो बच्चा हुआ है और वह भी यदि सन्यासी हो जाएगा तो मेरा वंश तो चलेगा नहीं, मुझे तो इसको राजा बनाना है, मैं तो मेरी जगह पे इसे देखना चाहता हूँ। राजा ने वो सारे प्रयास किए जो प्रयास उसे संत होने से बचाते थे, उसे सन्यासी होने से बचाते थे। राजा ने यहाँ के जितने भी उनके शाक वंश के उसके प्रजा के क्षेत्र में बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्गों के लिए एक अलग बस्ती बसा दी कि कभी भी भूल से भी सिद्धार्थ किसी बुजुर्ग को न देख ले, किसी सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति को न देख ले। उन्होंने सिद्धार्थ को ये दुनियादारी से बचाने के लिए कि कहीं उसे कोई शव दिखाई न दे जाए, कोई सन्यासी दिखाई न दे जाए, कहीं उसके मन में सन्यास का भाव न आ जाए, उसको बहुत रंगरेलियों में रखा, ऐशो आराम में रखा, यहाँ तक कि कोशिश भी की कि वो लड़कियों से महिलाओं से भी हंसे बोले, यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो सिद्धार्थ को बदलने के लिए उन्होंने प्रयास ना किया हो। पर ऐसी स्थिति में भी यदि कोई भाग्य से कुछ लेकर आया है तो भाग्य का कोई बदल नहीं सकता। उन्होंने एक दिन पिता की दाढ़ी में सफ़ेद बाल देखा और कहा कि ये सफ़ेद बाल कैसे आया, ये ऐसे कैसे हो जाता है। बस प्रश्न वहाँ से चालू हो गया। उन्होंने एक बार सैर करने जा रहे थे एक वृद्ध को देखा, उसके सफ़ेद बाल थे। उन्होंने कहा ऐसा ही मेरा जीवन भी होने वाला है, मैं भी ऐसे ही दिखने वाला हूँ। एक शव जाते देखा एक बार तो उनको लगा कि सबको मरना है एक दिन और ये ज़िंदगी ऐसे ही नष्ट होने वाली है, कभी मैं भी ऐसे ही जाने वाला हूँ। एक सन्यासी को देखा जो बड़ा मद मस्त था, खुश था, जैसे ज़िंदगी में कुछ दुख ही ना हो।
वो अपनी ही जिंदगी में अपनी खुशियां मना रहा था। उनको लगा कि सन्यासी का जीवन ही सबसे अच्छा है, कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार से रोना नहीं, किसी का प्रकार का शोक नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई तृष्णा नहीं। ये तृष्णा और इच्छाएं तो व्यक्ति के दुख का कारण है। ज्ञान धीरे 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 जागृत हो रहा था। वे अपनी सीमा से बाहर निकलने लगे। वे कहने लगे कि मैं विवाह ना करूँगा, मुझे बंधन में ना डालिए। पर पिता को लगने लगा था कि यदि मैं विवाह कर दूंगा और ये बंधन में इसको बांधूंगा तो ये राजा जरूर बनेगा। मैं इसे सन्यासी बनने से रोकने के लिए विवाह बंधन में बांधूं, यही सबसे उत्तम है। उन्होंने विवाह बंधन में उसे बांध दिया। यशोधरा नाम की कन्या से, जो उनके रिश्ते में ही लगती थी, उससे उनका विवाह कर दिया। यशोधरा ने उनको बदलने की बहुत कोशिश की, पर वो यशोधरा पर अपना प्रभाव डालते रहे। एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया, जब यशोधरा गर्भ से हुई तो उनको यह बात का भान हो गया कि अब यदि मैंने यहाँ से छोड़कर अपने जीवन में कुछ किया नहीं तो इसका मतलब मेरा मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा। और जब यशोधरा ने ये सारी बातें सुनी तो यशोधरा उनकी बातों से सहमत होने लगी। उसने कहा कि आप यदि कोई निर्णय लेंगे तो मैं आपके निर्णय में बाधक नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं आपकी तरफ देख सकती हूँ, आप सामान्य इंसान नहीं हैं। यशोधरा का बल पाने के बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि जब घर में शिशु आ जाएगा तो मैं ये सब छोड़कर चला जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ। एक बार यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर और अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर अपने मन में क्षमा याचना कर सिद्धार्थ घर से निकल गए और एक घोड़े पर सवार होकर जब घर से निकले, उनके पीछे पीछे उनका दोस्त भी घर से निकला। उन्होंने एक नदी के पास जाकर वो घोड़ा रोक दिया और वहाँ पर घोड़े के पास खड़े होकर ही उन्होंने अपने केश काट दिए और सारे केश काट के और सारी उन्होंने जो राजसी ठाट बाट की ड्रेस थी वो सारी उतार कर अपने मित्र को, उस साथ में आए हुए व्यक्ति को दे दी और कहा कि ये जाके राजा को दे देना और यशोधरा से कह देना कि जब तक मैं मेरी ज्ञान की खोज नहीं कर लेता मैं घर वापस नहीं आऊँगा, मुझे खोजने की कोशिश ना करना। मुझे तो शांति की खोज करनी है, मुझे तो एक नई खोज करनी है जो अभी तक किसी ने नहीं की। उन्होंने कहा कि ये सारे ग्रंथ मेरे बंधन है, मुझे इसमें नहीं फंसना है, मुझे इसे बाहर निकलना है। वे वेदों के सच्चे ज्ञाता थे। वे जान चुके थे कि मूर्ति पूजा में उलझकर मैं जड़ हो जाऊंगा। वे जान चुके थे कि परंपराओं में उलझकर और चारों तरफ से जो अलग अलग मान्यताएं संप्रदाय बढ़ रहे हैं, इन संप्रदायों में उलझकर, इन व्रत उपवासों में उलझकर मैं मेरी पहचान भुला दूंगा और मैं ज्ञान की खोज नहीं कर पाऊंगा। बस ज्ञान जाग गया। उन्होंने सारे ग्रंथ लिए, खासकर कहा जाता है कि सारे पुराणों को उन्होंने धार्मिक ग्रंथ में जो कहे जाते थे धार्मिक ग्रंथ उनको लिया और उन्होंने जल में विसर्जित कर दिया। उन्होंने कहा ये पुराण नहीं है, ये हमारी जिंदगी में परेशानियां घोलने वाले ग्रंथ हैं। ये लिखे तो कलयुगी अवतार वालों ने हैं, लिखे तो ये जो तथाकथित ब्राह्मण हैं उन्होंने हैं, पर उन्होंने हमारी संस्कृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। यदि ये रहेंगे तो मैं अपनी खोज करके दुनिया को कभी नहीं दे पाऊंगा, लोग इसमें से उलझ जाएंगे और मुझ तक पहुँच नहीं पाएंगे। उन्होंने सारे ग्रंथों को पानी में बहा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नई खोज करूँगा। और 29 साल की उम्र में वो वहाँ से निकल पड़े थे और उन्होंने संन्यास ले लिया था। 35 साल की उम्र आते आते उन्होंने ज्ञान की खोज की। उस ज्ञान की खोज में सबसे बड़ी जो खोज थी उनकी वो ये थी कि उन्होंने दुनिया को एक बात कही कि आप अपनी ज़िंदगी में जो बो रहे हो वही आप पा रहे हो, इसलिए आप अपने व्यवहार में अहिंसा लाइए, अपने व्यवहार में करुणा लाइए, अपने व्यवहार में शांति लाइए। आप लोगों के साथ में जो व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार आज नहीं तो कल आपके साथ में पलट कर आने वाला है, इसलिए आपको लोगों तक जिस करुणा के साथ पहुंचना है वो भाव आपको एक सुंदर मनुष्य बनाएगा। उन्होंने मनुष्यता सिखाई, उन्होंने ऐसा धर्म बनाया जिस धर्म में भगवान की पूजा तो नहीं थी,
मूर्ति पूजा तो नहीं थे, मंदिर तो नहीं थे, हवन यज्ञ भी नहीं थे, पर उन्होंने कहा कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए यदि कोई मनुष्य रो रहा है, प्राणी मात्र तकलीफ में है, जीव जंतु परेशान है, तो सबसे पहले हमें उसका डॉक्टर बनकर उसे गले लगाना है। जितने भी लोग हिंसक थे, जो मीट मटन खाते थे, जितने भी लोग बलियां देते थे और देवियों को खुश करने के लिए, भैरों को खुश करने के लिए, जो यज्ञों में जीवित पशु पक्षी मारकर डालते थे, उनके विरोध में उन्होंने ये धर्म स्थापित किया और कहा कि नहीं, लोगों के को करुणा आनी चाहिए उन मूक जानवरों के प्रति जो बोलना नहीं जानते, ना कि उनकी हत्या करके और व्रत उपवास और बलि के नाम पर पूजा विधि विधान दिखाना। तो इस प्रकार का बताया गया है कि बौद्ध धर्म ने बहुत सारे हिंसा वाले कार्य रोके और बहुत बड़े पैमाने पर ये धर्म धीरे 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 लोग अपनाने लगे। यहाँ तक हुआ कि एक आम्रपाली नाम की वैश्या थी, उसने भी इनका सत्संग सुना, उसने देखा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास राजा महाराजा आते हैं, सब लोग आते हैं, ऐश्वर आराम है, सब कुछ है, पर मैं ये कर क्या रही हूँ। असल में जो बुद्ध बोल रहे हैं वही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। आम्रपाली नाम की जब वैश्या उनसे मिलने के लिए आई, हर किसी को ये लग रहा था, जितने भी उनके श्रावक थे सबको ये लग रहा था कि इस समय इस जगह पर नारी का आना, वो वैश्या का आना, बुद्ध के लिए सबसे बड़े बदनामी का कारण बनेगा और हमारा मिशन खराब हो जाएगा। पर बुद्ध ने उसका स्वागत किया, बुद्ध ने कहा ये उसका पूर्व जन्म है और ये इसके कर्म की ये प्रणेता है और ये कर्म का भोग भोगेगी, पर मुझे इस ये पापी नहीं है, मुझे इसके आत्मा से रिलेशन है, इसलिए उन्होंने उसका सत्कार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। उसने निमंत्रण दिया, वह श्रावकों के साथ गए, उन्होंने आम्रपाली के यहाँ का भोजन भी किया और आम्रपाली ने अपने बेटे को हमेशा के लिए सेवा में, जो चिकित्सक था, पहला डॉक्टर था वो, उन्होंने सेवा में लगा दिया यहाँ पर बुद्ध के श्रावकों की सेवा में। यानी इतना बड़ा योगदान था आम्रपाली का कि जो भूमि उसे मिली थी, उसकी पर्सनल थी, उसने बौद्ध विहार के लिए बुद्ध को दे दी। यानी वो अनन्य भक्त हो गई वो बुद्ध की, और उसने अपना वह कार्य छोड़ दिया जिस कार्य के लिए लोग उसके दीवाने थे, उसकी खूबसूरती के दीवाने थे और जिस ऐश्वर्य के लिए वह अपने आप के लिए मिटने तक तैयार थी, और बौद्ध की दीक्षा ले ली और बुद्ध को अपना लिया। तो ये था बुद्ध की वाणी का प्रभाव, उनकी शांति का प्रभाव, उनके नेचर का प्रभाव, उनकी एक नई खोज, उनकी अटल खोज, जिसने उस समय के परिवेश में जो डिमांड थी, जो ज़रूरत थी, वो ज़रूरत उन्होंने पूरी की। जब उन्होंने 35 साल में खोज की कि मैं जो दुख का कारण क्या है, जब इसकी खोज मिल गई उनको, दुख का कारण क्या है, हमारी तृष्णा है, हमारी इच्छाएँ हैं, ना इच्छाएँ तृष्णाएँ कभी खत्म होंगी, ना हमारा दुख कभी खत्म होगा। तो उन्होंने जब ये सब नया खोजा, तो खोजने के बाद में नए नए लोग उनके पास आते गए और उन्होंने ये देखा कि मैं बहुत उपास करता हूँ, व्रत करता हूँ, भूखा रहता हूँ, इससे क्या मिलने वाला है, क्या मेरे भूखे रहने से, व्रत रहने से, सब ये करने से भगवान मिल जाएगा, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। उनके दिमाग में एक बात आई कि व्यक्ति को जीने के लिए उतना आहार खाना ही चाहिए जितना उसके शरीर की आवश्यकता है, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। तो जो अपने शिष्यों के साथ में वो लंघन कर रहे थे, पानी पर रह रहे थे, उपास कर रहे थे, उन्होंने उपास तोड़ दिए और वो एक समय भोजन लेने लगे। शिष्यों को लगा ये तो ढोंगी है, अभी तक व्रत कर रहा था और अब देखो इन्होंने तो खाना चालू कर दिया। उनको लगा, उनकी मान्यताएं थी कि जो कठोर व्रत कर ले, जो कठोर तप कर ले, जो निर्जला कर ले, वही संत और साधु हो सकता है, वही पूजनीय हो सकता है। उन्होंने उनका अपमान करके उनका साथ छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि जीने के लिए व्यक्ति को थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए, शरीर के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, इस शरीर को लंबे समय तक चलाना है। उन्होंने मध्यम मार्ग दिया दुनिया को और उस मध्यम मार्ग के लोग दीवाने हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी कड़ाई भी नहीं कि आप टूट जाएं, इतनी ढिलाई भी नहीं कि आप बिगड़ जाएं, हाँ मध्यम मार्ग में रहिए,
आप उतना इस्तेमाल कीजिए ऐश्वर्य को, उतना इस्तेमाल कीजिए सुख सुविधाओं को, उतना इस्तेमाल कीजिए भोजन को और अन्न को जितनी अति आवश्यक आवश्यकता है। अति सर्वथा वर्जिते, अति नहीं करनी है आपको आपके जीवन के साथ। बहुत सुंदर दीदी, आपने मुझे बौद्ध धर्म के विषय में और हमारे दर्शकों को इतने विस्तार से बताया, तो आप कृपया ये भी बताइए क्या बुद्ध धर्म के अपने कुछ ग्रंथ हैं? मैंने उनकी एक मेडिटेशन विधि भी देखी है जिसमें वो कुछ साउंड वाइब्रेशन से मेडिटेशन करते हैं, उसके बारे में और क्या बुद्ध धर्म का कोई ग्रंथ है वो भी हमें बताइए। जैसे एक पाली भाषा होती है, उनकी ओरिजिनल भाषा पाली है, पाली भाषा में पिटक को कहते हैं टोकरी। अभी उनके जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के आगे पिटक शब्द लगा है, जैसे त्रिपिटक, यानी तीन विचारों की टोकरी, यानी तीन ग्रंथों की टोकरी। मेन जो त्रिपिटक है उसमें बहुत अच्छी बातें हैं, और ऐसे तो उनके कई ग्रंथ बने उनके जाने के बाद, पर उनके जीवन काल में जो ये त्रिपिटक बना ये अपने आप में कहना चाहिए कि उस समय का कुछ रामायण और मनुस्मृति के जैसा कुछ योगदान था उस समय की परिभाषा में। उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए ये नहीं सोचा था कि लोग मुझे भगवान माने, क्योंकि वो तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो चाहते नहीं थे कि लोग मेरी पूजा करें। पर हमारे देश की विडंबना रही है, जो भी हमारे यहाँ पर ऐसे व्यक्ति आते हैं जो सदगुरु बन के मार्ग दिखाते हैं, उनके जाने के बाद लोग उनके मंदिर बनाकर भगवान बनाकर उनकी पूजा करते हैं, जिन्होंने जिंदगी भर मंदिर बनाने के लिए रोक टोक लगाई, जिंदगी भर जड़ मूर्तियों की पूजा के विरोध में बोला, जिंदगी भर उन्होंने गलत धार्मिक साहित्य के उपयोग के बारे में रोक टोक लगाई, और लोगों ने जाने के बाद में उनके ही मंदिर और देवालय खड़े कर दिए, ये क्या विडंबना है। तो ग्रंथों में एक मध्यम मार्ग है, मध्यम मार्ग को मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाती हूँ, बहुत विस्तृत दिया है जिससे ग्रंथ बड़े उपयोगी हो गए हैं। एक राजा उनके पास में आए, वो बोले मैं राज सी ठाट बाट सब छोड़ना चाहता हूँ और मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मुझे आपके शब्द बहुत भा गए हैं और आप मेरे सच्चे सदगुरु हैं, कृपया मुझे दीक्षा दीजिए, मैं बौद्ध बनना चाहता हूँ। उन्होंने देखा कि राजा के कंधे पर आज इतना बड़ा जिम्मेदारी का भार है और ये मुकुट उतार के मुझे दे रहे हैं और कहते हैं मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, कर्तव्यों से अलग होकर ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर मेरे पास आएंगे। वो राजा कहने लगा कि मुझे भी व्रत उपवास करने हैं, मुझे भी सब कुछ ऐसा ही करना है जैसा आप जीवन जीते हैं, मुझे आपके जैसा रहना है। अब उसके बाद में उन्होंने उससे कहा कि तुम तो संगीत के प्रेमी हो, बोले हाँ, तो बोले कि एक सितार लाओ। उन्होंने सितार मंगाया, सितार हाथ में बुद्ध ने पकड़ा, बुद्ध के समझाने की जो बात जो विधा थी वो बड़ी निराली थी। उन्होंने सितार हाथ में लिया, सितार हाथ में लेने के बाद में उन्होंने क्या किया, जो सितार के तार थे ना उसमें से एक तार जोर से कस दिया, और जोर से कसने के बाद में कहा राजा से बजाइए इसे, आप तो बहुत अच्छा बजाते हैं। बोले ये बज नहीं रहा ठीक से क्योंकि इसके तारों को आपने जोर से कस दिया है। कोई बात नहीं, ढीला कर लीजिए। उन्होंने क्या किया, वो सितार के तार को उन्होंने एकदम ढीले कर दिया, ढीला करने के बाद में वो खुद बजाने लगे और फिर बजे ना, आवाज़ अच्छी आए ना, तो कहा कि बोलो अभी भी नहीं बज रहा, आपने कहा ढीला है तो ढीला कर दिया। उन्होंने कहा राजा ने पहले आपने बहुत टाइट किया था इसलिए नहीं बज रहा था, अब आपने बहुत ढीला कर दिया इसलिए स्वर खराब हो गया, आप उसे मीडियम मध्यम कीजिए ना, सही तरीके से जितना चाहिए उतना ही कसिए, फिर बहुत अच्छा बजेगा। तो बुद्ध कहने लगे यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने साथ में बहुत टाइट मत होइए और बहुत अपने आप को ढीला भी मत छोड़िए, आप राजा हैं, राजा बनकर ही रहिए, राजा बनकर रहने के बावजूद भी आप बौद्ध धर्म में आ सकते हैं और गृहस्थ का जीवन जीकर भी आप धर्म का पालन कर सकते हैं, आप अपने प्रति इतने टाइट क्यों होना चाहते हैं, और आप इतने ढीले भी ना हो जाइए कि आप सारा सब वो कार्य करें जो बौद्ध धर्म के विरुद्ध में है। इसलिए आप जिस स्थिति में हैं, जिस जगह पर हैं, वहाँ पर रहकर ही आप हमारे नियमों का पालन करें, आप अहिंसा को फॉलो करें, आप करुणा को फॉलो करें,
लोगों के प्रति न्याय सही करें, आप जो जो हमारे उपदेशों में ज्ञान पा रहे हैं उसके अनुसार जीवन जिए। आपको आपके साथ में बहुत कड़ाई नहीं करनी है, बहुत व्रत उपवास रखने की जरूरत नहीं है। उपवास रखना है पर उतना रखना है जिससे शरीर को पीड़ा ना हो। भूखे रहने से भी भगवान नहीं मिलेगा और ज़्यादा खाने से भी भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी ज़िंदगी में तप कीजिए पर उतना कीजिए जितना तप अति आवश्यक हो। बिल्कुल नहीं करेंगे तो भी आप बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं बनेंगे और बहुत ऊंचाई पर जल्दी नहीं पहुंचेंगे। शिखर पर पहुंचने के लिए अपने आप को तपाना बहुत ज़रूरी होता है। आध्यात्मिक की ऊंचाइयों को छूने के लिए व्यक्ति को मन का भी तप करना है, तन का भी तप करना है, अपने जीवन में समय की कीमत भी करना है। तो यही बौद्ध धर्म आपको सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी इतनी सुंदर व्याख्या देने के लिए बौद्ध धर्म की। और आज समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमें इस परिचर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। अगले शनिवार हम फिर से अपनी परिचर्चा इसी पर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों। तो ये थी हमारी एक रोचक परिचर्चा विभाश्री दीदी जी के साथ। हमने बहुत से रोचक तथ्यों पर जानकारी हासिल की, परंतु यदि अभी भी आपके मन में कोई शंका हो जिसका आप समाधान चाहते हैं तो आप दीदी के YouTube चैनल के माध्यम से, उनके Facebook पेज पर या Instagram पेज पर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले शनिवार फिर से मिलेंगे एक रोचक परिचर्चा के साथ। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि साढ़े साती, शनि धैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाषी दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाषी दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 0240-2471-558 और 6572-888, मोबाइल नंबर 0942-2270-4358। Thank you.
शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।